माँ भगवती शिक्षा निकेतन बरहन में विश्व हिंदू परिषद जिला रामबाग की ओर से एक निशुल्क दवा वितरण कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर नवलपुर कुबेरपुर द्वारा बनाई गई कोरोना के लिए इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाली दवा का निःशुल्क वितरण किया गया। यह कैंप विश्व हिंदू परिषद द्वारा लगाया गया, जिसमें मेडिकल कॉलेज की टीम ने ग्रामीणों को निःशुल्क दवा का वितरण किया। इस मौके पर नेमिनाथ हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के MD प्रदीप गुप्ता का आयोजकों ने शॉल और साफा बांधकर स्वागत और सम्मान भी किया। ये जो जैसा कि विदित है, संपूर्ण विश्व और भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप है। डॉक्टरों और विशेषज्ञों का कहना है कि जिन लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता स्तर ऊंचा होता है, उन लोगों को ये कोरोना वायरस इन्फेक्ट नहीं करता है। तो इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अपना जो कुबेरपुर पर एतमादपुर के पास नेमिनाथ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है, उनके एक्सपर्ट्स ने एक दवा विकसित की है, निर्माण की है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है शरीर की। उन्होंने व्यापक पैमाने पर इसका उत्पादन किया है और जगह जगह पर कैंप लगा करके समाज में इसका वितरण कर रहे हैं, वो स्वयं वितरण करते हैं। इसी क्रम में आज अपने बरहन में विशेष हमने निवेदन किया था डॉक्टर प्रदीप गुप्ता जी से कि एक कैंप हमारे बरहन में भी आयोजित किया जाए। ये पहला कैंप होगा, इसके बाद आगे भी और भी देखते हैं, पहला अनुभव निकल के आए। तो इसी क्रम में यह कैंप यहाँ पर इस रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली दवा का वितरण करने के लिए यह कैंप आयोजित किया गया है। कोरोना जो महामारी है, तो इस महामारी के भी कोई वैक्सीन नहीं बनी है जो पक्का पक्का कहा जा सकता है, लेकिन जो वैज्ञानिकों का, डॉक्टर्सों का और विशेषज्ञों का, वैद्यों का मानना है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ी हुई हैं वही बच पाएंगे। और यह देखने में भी आ रहा है जिनकी प्रतिरोधक क्षमताएं मजबूत हैं वह जल्दी ठीक स्वस्थ हो रहे हैं। जो कोरोना के शिकार हुए हैं, जिनकी इम्यूनिटी पावर कमज़ोर है, वही अधिकांशतः वही मरीज इसके शिकार हुए हैं। तो प्रतिरोधक क्षमताएं जो होम्योपैथी, जिसका साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ऐसी दवा जो हम पास में नेमिनाथ हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज है उन्होंने बनाई है, निःशुल्क वितरण वो कर रहे हैं। उनसे आग्रह हमने भी किया कि ऐसा ग्रामीण क्षेत्र में भी किया जाए, जिससे ग्रामीण लोगों को भी लाभ मिले और समाज का और देश का काम हो। इम्यूनिटी पावर, इसका साइड इफ़ेक्ट कोई है नहीं होम्योपैथी दवाई का। तो आगे भी और भी महानगर में भी वितरण हुआ है, अब धीरे धीरे गांव गांव स्तर पर भी, गांव गांव कई गांवों में भी कैंप। विश्व हिंदू परिषद अपने बैनर तले निवेदन किया डॉक्टर साहब से कि गांव में भी लगाया जाए। गांव में तो थोड़ा लोगों का ध्यान कम होता है, शहर में लोग ज़्यादा जागरूक होते हैं। तो अपने कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष जी, मंत्री जी और अभय जी, हमारे कई लोग, अपने बाबा मान सिंह जी, सब लोग लगे। डॉक्टर साहब ने आग्रह किया तो बरहन में आज बड़ा गाँव है और यहाँ आसपास के गाँव के लोगों को बुलाया है कि इससे जो प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेंगी, और जब प्रतिरोधक क्षमताएं बढ़ेंगी तो कोरोना स्वतः ही भागेगा। ये जो दवा है ये भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और ICMR इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, इन दोनों की अनुमति से मैंने क्लिनिकल ट्रायल किया कोविड के रोगियों पर, और उस ट्रायल में ये दवा सर्वोत्तम निकल कर आई। इसका 100% रिजल्ट रहा। वो ट्रायल फार्मा कंपनियों के दवाओं में रोकी हुई है, अन्यथा ये दवा इतने कम पैसे में और इतने आराम से लोगों तक पहुंच जाती तो अभी हमें कोरोना नाम का कोई डर नहीं होता। मैं आपके सामने ऐसे ही बैठा हुआ हूं और मेरे सारे साथी ऐसे ही मिलेंगे आपको, क्योंकि हमें पता है कोरोना है लेकिन उससे डरना नहीं है। उससे मुकाबला करने के लिए दवा होम्योपैथी में उपलब्ध है, और वही दवा हम लोग अब तक 75,000 लोगों को निःशुल्क वितरित कर चुके हैं। और आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि उन 75,000 में से एक भी व्यक्ति कोरोना से संक्रमित अभी तक नहीं हुआ है। आज यहाँ पर हम लोग 5,000 लोगों को दवा देने के उद्देश्य से हमारी टीम आई हुई है, और हमारा पूर्ण विश्वास है कि ये दवा इतनी कारगर होगी कि किसी को भी कोरोना का इन्फेक्शन होगा नहीं। ये दवा आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, दिल्ली, हाथरस
तमाम स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से वितरित की जा रही है, जैसे कि आज ये शिविर विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से लगाया गया है। ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जिनके माध्यम से हमने ये दवा 75,000 लोगों तक अभी तक पहुँचा दी है और आज शाम तक ये 80,000 लोगों तक पहुँच जाएगी, और ये सारी दवा निःशुल्क वितरित की जा रही है और इसका सारा खर्चा नेमिनाथ होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर का प्रबंधन उठा रहा है। क्या लगता है होम्योपैथी का जो मानना है लोगों का कि धीरे धीरे काम करती है और लेट असर आता है, ये लोगों में भ्रम है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूँ जो रिसर्च ICMR के और आयुष मंत्रालय के साथ हुई थी, उसमें जितने भी रोगी थे हमने उनको 5 दिन में कोरोना से मुक्त कर दिया था और उनका सबका RT-PCR टेस्ट नेगेटिव आ गया था, जो कि 3 से 4 सप्ताह में आता है, और उनकी पोल पट्टी ना खुल जाए इसी डर से वो ट्रायल 49 रोगियों के बाद अभी तक बंद है, और ये कहा जा रहा है कि अब मरीज नहीं है इसलिए ये ट्रायल नहीं हो सकता है, जबकि मरीज कितने हैं ये तो सबको पता है। तो उस ट्रायल के बाद आज 2 महीने होने वाले हैं FH मेडिकल कॉलेज को, जहाँ पर ये ट्रायल चल रहा था, एक भी पेशेंट आगरा CMO और फिरोजाबाद CMO के द्वारा नहीं दिया गया है। वो किसका निर्देश है क्या है वो मैं बता नहीं सकता, मुझे उसमें कोई जानकारी नहीं है, पर मेरा कहना ये है अगर कोरोना नहीं है पेशेंट नहीं है तो इतना सब डर किस बात का, लॉकडाउन किस बात का, और है तो वो रिसर्च करने में क्यों रोक है, क्या झिझक है। मैं तो इसको बड़े स्तर पर करना चाहता हूँ और इस रिसर्च के लिए मैंने किसी से कोई पैसा नहीं लिया है, इसमें जो भी खर्चा आया वो हमारे महाविद्यालय ने अपनी तरफ से किया है, और हमें कोई डर नहीं है, हमको तो किसी बात का ही डर नहीं था कोरोना हो जाएगा तो हम बीमार हो जाएंगे, तो हमारे तो साथी स्वैच्छिक रूप से समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, और हम लोग बचपन से RSS से जुड़े हुए हैं तो हम जानते हैं कि समाज की भलाई में ही सबकी भलाई है, इसलिए हम लोग यह बिना किसी परवाह किए हुए सारा काम करने को तत्पर रहते हैं हमेशा। आज मैं यहाँ पर भी अपने बेस्ट शेड्यूल में निकाल करके आया हूँ लोगों से मिलने के लिए, उसके भी वजह यह है कि मैं चाहता हूँ कि ग्राम स्तर पर हर गांव के झोपड़ी तक हर आदमी तक ये दवा निःशुल्क पहुँच जाए और लोग भयमुक्त और रोग मुक्त रहें। आज हम सीखेंगे बाजार जाना। सबसे पहले नाक मुंह को मास्क या कपड़े से ढकें, प्लास्टिक की वही चप्पलें पहनें जो आपने सिर्फ बाहर आने जाने के लिए रखी हैं। सामान लाने के लिए प्लास्टिक की बाल्टी और साथ में 70% अल्कोहल वाला छोटा सैनिटाइजर रख लें। अब घर से बाहर निकलें, बाहर अनावश्यक कुछ ना छुएं, बाजार में सबसे 6 फुट की दूरी बनाकर रखें, और हाँ ATM इस्तेमाल करने से पहले ATM का कीबोर्ड सैनिटाइज करें, पैसा निकालकर कार्ड को भी सैनिटाइज करें, खरीदे हुए सामान को बाल्टी में डालकर घर लौटें। जी हाँ, कोरोना का खतरा टला नहीं है, इसलिए हमें बाजार जाने के नए नियम सीखने होंगे, सावधानी की आदतों के साथ जीना सीखना होगा। नए नियम अपनाएंगे, कोरोना को हर दिन हराएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।